कुदरत। मानव जाति को मिला हुआ एक खूबसूरत तोहफा, पर इस तोहफे की खूबसूरती आप तभी चख पाएंगे जब आप इससे रूबरू होंगे, जब आप कुदरत की पनाह में आते हैं, तब धीरे धीरे इसके साथ आपका रिश्ता मजबूत होते जाता है। किसी दुल्हा दुल्हन के बीच बंधे गिरह की तरह जो बस कसता जाता है। देखिएगा, जब भी तहजीब का जिक्र छिड़ेगा तो नाम जुबा पर कुदरत का ही आएगा। मतलब कि आम के पेड़ को पत्थर मारोगे तो बदले में आम ही पाओगे, पत्थर नहीं। मैत्री पूर्ण कर्म करून मी माझे शरीर शुद्ध करतो, मुक्त हस्ते दान करून मी माझे शरीर शुद्ध करतो, शांती संतुष्टी आणि साधेपणाचे पालन करून मी माझे शरीर शुद्ध करतो, नित्य सत्य बोलून मी माझी वाचा शुद्ध करतो, स्मृती सुस्पष्ट आणि प्रदीप्त ठेवून मी माझे मन शुद्ध करतो। ये कुदरत, यहां रोज एक नई गजल गाई जाती है, कभी खट्टी कभी मीठी धुन सुनाई देती है। किसी अंग्रेजी इत्र से कई गुना शोहरत हासिल है यहाँ की मिट्टी की खुशबू को। हाँ, यहाँ तुम सुन पाओगे कलिया और कांटों के बीच की गुफ्तगू को। यहाँ का रिवाज ही अलग है, हर एक चीज का मिजाज ही अलग है। यहाँ तराशने वाले हाथ कभी कपकपाते नहीं, जिन्हें निखरना है वो किसी घाव से तिल मिलाते नहीं। यहाँ न घाव करे कोई अपना न कोई अजीज, करे तो वो घाव ना लगे, लगे कुछ लजीज। अशोक 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 यहीं पर लिखा गया होगा सारी सुंदर रचनाओं को, यहीं पे ग्रहण किया होगा इंसान ने रस और भावों को। हाँ, यहीं मिलती है सादगी, यहीं तो मिलता है नयापन। ये वो जहां नहीं जहां तस्वीर खिंचवाते समय ही मुस्कुराया जाता है। यहां उनको जगह नहीं जिनके द्वारा उदासी का गीत गाया जाता है। कंक्रीट की वादियों में पला पड़ा आधे दिन में ही मुरझा सा जाता है। सिर्फ जिंदा रहता है
सांस नहीं ले पाता है। और जो ही वो कुदरत की गोद में सर रखता है, यकीन मानो खुद ब खुद सुकून पा जाता है। क्योंकि यहां वो वीकेंड वाली रिवायत किसी ने बनाई ही नहीं। मिट्टी से जुड़े रहने वालों को ये मुखौटेबाजी रास आई ही नहीं। ही अनोखी गांठ कोणी बांधली, एक झाले ऊन आणी सावली, जाणीवांचा फूल कोणी सांधला, ऐल तिरी पैल हाती लागला, रंगली में दिन ब्याने रंगली, एक झाले ऊन आणी सावली। सारे तुझे माझे प्रहर, सारे तुझे साऱ्या क्षणांवर नाव गेले खोरले माझे तुझे, हे बंध सुडले त्या क्षणी जणू लाभली संजीवनी, कुछ ही लोग होते हैं ऐसे जहां में, जिनके हाथ लगता है ये जवाब कि जिंदगी किस चिड़िया की गुनगुनाहट है, जिनके साये में अपने सारे खूबी में तब्दील हो जाते हैं, जो बस खर्च होना जानते हैं किसी की खुशी के लिए। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जहां में, मिट्टी से जुड़े लोग। उनके किरदारों से कुदरत की महक आती है।